देखिए, ये आज जो जम्मू एंड कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर है, ये इसका दूसरा एडिशन आज चल रहा है। लास्ट ईयर से हमने ये पहली बार शुरू किया है। ये प्योरली एक B2B इवेंट है जिसमें हम बायर्स को बुलाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट सेलर्स को, एग्जिबिटर्स को हम यहाँ पे स्टॉल्स में जो है वो रखते हैं। तो इस तरह से बायर्स और सेलर्स के बीच में एक एंगेजमेंट होता है। ये जो फर्स्ट टेक्सटाइल फेयर हमने किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर, ये बेसिकली यहाँ की जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल्स हमारे जो हैं, उसमें शॉल है, सोजनी का है, कानी का है, या हमारे कारपेट्स हैं जो कि हमारे बड़े यूनिक और बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स हैं। इनको दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश है। तो लास्ट ईयर वाला जो पहला एडिशन था जम्मू एंड कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर का, वो बहुत ही कामयाब रहा था और आज हमने जो है उस कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा एडिशन रखा है। आज भी जो है हमने 18 मुल्कों से यहाँ पे बायर्स आए हैं, 18 कंट्रीज से, और ये 33 बायर्स आए हैं जो ओवरसीज़ बायर्स हैं। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पे 17-18 बायर्स हमने लाए हैं। तो कोशिश ये है कि जो हमारा आर्टिज़न, मैन्युफैक्चरर, यहाँ का हमारा एंटरप्रेन्योर जो है, उसको मार्केट के साथ कनेक्ट मिल जाए, उसको मार्केट लिंकेज मिल जाए, ताकि जो प्रोडक्ट जो शाहकार बनाते हैं वो न सिर्फ कि यहाँ जम्मू कश्मीर में, बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में वो शाहकार, उनके हाथों के जो का जो जादू है वो सारी दुनिया में पहुँचे। तो ये जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम जो है वो अपने आर्टिज़न को, यहाँ के एंटरप्रेन्योर को, फार्मर को मार्केट के साथ कनेक्ट करें। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो आज जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल फेयर। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं ऐसे ऐसे आर्टिज़न्स को, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ कि जो बिल्कुल शुरुआत में थे अपनी, मतलब स्क्रैच पे। लेकिन पिछले 2 सालों में मैं कितने ही नाम गिन सकता हूँ कि जो इस वक्त जो है वो एक अच्छा टर्नओवर जिनका बन चुका है और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं। तो ये जो हमारा एफर्ट है मार्केट के साथ कनेक्ट करने वाला, एग्जीबिशंस के ज़रिए, ट्रेड फेयर्स के ज़रिए, ये बहुत ही कामयाब रहा है। जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो एग्जीबिशंस लगती हैं, चाहे वो IITF प्रगति मैदान में लगता है, सूरज कुंड में मेला लगता है, या माई टेक्स मुंबई में लगता है, कारपेट फेयर भदोही में लगता है, या पाई टेक्स जो है अमृतसर में लगता है, इसी तरह कई फेयर्स, UP टेक्स लखनऊ में लगता है। तो इन में 14 फेयर्स में हमने यहाँ से आर्टिजन्स को भेजा। 350 से ज़्यादा आर्टिजन्स गए, फार्मर्स गए, एंटरप्रेन्योर्स गए। तो उनको वहाँ पर बहुत अच्छी सेल, बहुत अच्छी लीड्स मिली। इसी तरह जो हमारी बायर सेलर मीट्स हैं, मतलब कुछ को तो लाखों के ऑर्डर्स भी मिले हैं। ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको किसी एग्जीबिशन में, ट्रेड फेयर में इतना वो उनका अपना प्रोडक्ट, उनकी अपनी मार्केटिंग एबिलिटी, मार्केटिंग स्किल, ये सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली डिटरमाइन करती हैं। तो हमारी तरफ से तो आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये हमारी कोशिश है मुल्क के बाहर भी और यहाँ भी, मतलब यहाँ पे एग्जीबिशंस और इस तरह के B2B इवेंट्स कराने का कल्चर नहीं था पहले। लोकल लेवल की एग्जीबिशंस छोटी मोटी लगती थी, लेकिन हमने इसको एक बड़े स्केल पे, जिसमें हम बायर्स को बाहर से ला रहे हैं, यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, ताकि वो हमारे आर्टिजन्स, एंटरप्रेन्योर्स, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ कनेक्ट होके उनका जो मटेरियल है, उनका जो प्रोडक्ट है, उसको सोर्स करें यहाँ से। यही हमारी कोशिश है कि इनका जो मार्केट का कनेक्ट है वो मजबूत करें। Thank you very much. I'm just loving their products and they're having a handicraft which is a root from the products, and I love the color textures and everything. Pura handmade. Yeah. The handmade product is very unique and very in the budget, and the prices and the quality is very, very farm quality. How many products you see here? I've seen all stores. But their product, every stall have their uniqueness. कैसा लगा आपको? I'm just loving. This is my first time in Kashmir, and I'm the loving everything over here. आना चाहिए सबको लेने के लिए. What? आना चाहिए सबको यहाँ. Yeah. Come and watch and see everything, and there's their hard work and their everything, which all outers also come in the Kashmir to see every product, the scarf textures, the every fabric, everything is unique and very, very good.